हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक न्यू एनिमे। और इस एनिमे का जो स्टोरी लाइन है वो मतलब बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इस एनिमे में एक डेमन लॉर्ड को एक बहुत ही आम मामूली लड़की से प्यार हो जाता है। और मैं आप लोगों को इस बारे में और कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्पॉइल हो जाएगा। तो बिना और देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि कुछ लोगों से भागकर जंगल में पहुंच जाती है। वहीं पर उसके पीछे काफी सारे सोल्जर्स पड़े हुए होते हैं और वो लोग उसके पीछे जाने वाले ही होते हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है, हमें उस जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस जंगल के अंदर एक डीमन लॉर्ड रहता है और ऐसा र्यूमर है कि उसको इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक तभी वहाँ पर और एक सोल्जर आता है और वो बोलता है कुछ विलेजर्स ने उस लड़की को दूसरी तरफ जाते हुए देखा है, जिस वजह से बाकी सब सोल्जर्स उस तरफ जाने लगते हैं। वहीं पर वो लड़की पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है और फिर वो जंगल के और भी ज्यादा डीप जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से एक छोटा सा खाई आ जाता है, जिस वजह से वो लड़की नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और वो अपने सामने एक मैंशन को भी देख पाती है। अब अगले दिन सुबह हम डीमन लॉर्ड को वही मैंशन के सामने बैठा हुआ देख पाते है और वो पेपर भी पढ़ रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है उसके पास ही की एक नेशन में एक बूढ़ी वुमेन भाग गई है। ठीक तभी वो डीमन लॉर्ड जंगल के अंदर कुछ हलचल महसूस कर पाता है, जिस वजह से वो जंगल के अंदर देखने चला जाता है। फिर वो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को एक जगह पर इकट्ठा हुआ देख पाता है, जिसके बाद जब वो वहाँ पर देखने जाता है तो वहाँ पर तो वही लड़की अभी भी बेहोश पड़ी हुई होती है। इसके बाद डीमन लॉर्ड उस लड़की को उठाता है और फिर अपने मन में बोलने लगता है। इसे देखकर लगता है कि ये वहाँ से भागी नहीं है बल्कि किसी से बचकर यहाँ पर आई है। वहीं पर एक सोल्जर भी होता है जो कि पेड़ के पीछे से उन दोनों को देख रहा होता है, जो कि डीमन लॉर्ड महसूस कर पाता है। और फिर वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर उस सोल्जर्स के पीछे आ जाता है, जो देखकर वो सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो डीमन लॉर्ड फिर से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाता है और उस सोल्जर्स के हाथ के बैच को देखकर डीमन लॉर्ड समझ जाता है कि ये नीरूस किंगडम का सोल्जर है। और डीमन लॉर्ड उस सोल्जर से बोलता है, आखिरकार तुम इस लड़की से क्या चाहते हो? जो सुनने के बाद वो सोल्जर अपना हाथ ऊपर करके और भी बहुत सारे सोल्जर्स को वहाँ पर बुलाता है, जिस वजह से सभी सोल्जर्स डीमन लॉर्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर बोलने लगता है, उस लड़की को हमें सौंप दो क्योंकि वो एक हमारा नेशन का बहुत ही बड़ी क्रिमिनल है। और दोस्तों, इन लोगों को अभी भी पता नहीं होता कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है, जिस वजह से ये लोग इतनी हिम्मत से बात कर पा रहे होते हैं। फिर वो सोल्जर बोलने लगता है, अगर तुमने उस लड़की को हमें सौंप दिया तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, जिसमें डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं इसको मना करता हूँ। ठीक तभी एक सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच करके उसको ही मार देता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स एक साथ मिलकर डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करना चाहते है। ठीक इसी वक्त पर डीमन लॉर्ड अपना एक आइस मैजिक यूज करता है, जिस वजह से सभी सोल्जर्स के पैर बर्फ में जम जाता है। ठीक तभी एक सोल्जर देख पाता है कि उस लड़के का आधा बाल काला है और आधा बाल सफेद, जो देखकर बोलता है, कहीं तुम ही हो वो डीमन लॉर्ड तो नहीं जो कि जंगल के अंदर रहता है? डीमन लॉर्ड बोलता है, हाँ मैं ही हूँ वो ग्रेट डीमन लॉर्ड और मेरा नाम है फैंटम ड्रीम। फिर वो अपना मैजिक यूज करके वहाँ पर सभी सोल्जर्स को अपने बश में कर देता है और फिर उन सभी सोल्जर्स को मैनिपुलेट कर देता है और उससे बोलता है, तुम लोग किंगडम में जाकर क्या बोलोगे? जिसमें वो सोल्जर्स बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे कि एक बीस्ट ने उस लड़की को मार दिया, जिस वजह से हम फिर से वापस चले आए। और ये बोलने के बाद वो सभी सोल्जर्स वहाँ से जाने लग जाते हैं। देन अगले सीन में डीमन लॉर्ड उस लड़की को अपने घर पर लाकर सोफे पर सुला देता है, लेकिन ठीक तभी वो लड़की अपने होश में आ जाती है, जो देखकर डीमन लॉर्ड एक ड्रिंक बनाता है और उसको ऑफर करता है। और वो लड़की अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर पहले तो डर जाती है, लेकिन वो फिर से वो ड्रिंक को पीने लग जाती है। इसके बाद डीमन लॉर्ड उससे पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर बेहोश कैसे हो गई थी? वो लड़की बोलती है, मैं जंगल में खो गई थी और मुझे दूर से ही ये मैंशन भी दिखा था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थक गई और वहीं पर ही बेहोश हो गई। तभी डीमन लॉर्ड पेपर उठाता है और बोलता है, तुम तो नेरूस किंगडम के सेकंड प्रिंस के फियांसे हो और तुम्हारा नाम शार्लेट इवांस है। जो सुनने के बाद शार्लेट बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, ऐसी बात नहीं है। ये देखकर डीमन लॉर्ड शार्लेट के पास आ जाती है और बोलता है, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी के आंखों में ही देखकर बोल सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या सच। ये सुनने के बाद तो शार्लेट रोने लग जाती है, जो देखकर डीमन लॉर्ड घबरा जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? शार्लेट बोलती है, तुम ही हो वो पहला पर्सन जिसने कि मेरे ऊपर भरोसा किया। इसके कुछ देर बाद डीमन लॉर्ड शार्लेट से डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है?
ठीक तभी हम शैरलॉट के एक पास्ट के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर किंगडम में एक फेस्टिवल चल रहा होता है और तभी उस किंगडम के सेकंड प्रिंस शैरलॉट को बुलाने लगता है, जिसके बाद शैरलॉट भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो प्रिंस बोलने लगता है, शैरलॉट तुम्हारा इविल काम सबके सामने आ गया है। फिर वो प्रिंस शैरलॉट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाने लग जाता है। वहीं पर शैरलॉट बोलती है, मैं प्रिंस के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो वहाँ के राजा है। जिसके बाद प्रिंस शैरलॉट को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे देता है और प्रिंस के साथ शैरलॉट का एंगेजमेंट भी टूट जाता है। और इसके अगले पल ही शैरलॉट को जेल में रखा जाता है और वहीं पर शैरलॉट रोने लगती है और बोलती है, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया था। और ये सब सुनने के बाद डीमन लॉर्ड अपने मन में बोलने लगता है, शैरलॉट को पूरी तरीके से फंसाया गया है क्योंकि लगता है प्रिंस को शैरलॉट से शादी नहीं करनी इस वजह से। वहीं पर शैरलॉट बोलने लगती है, तुमने मेरे लिए इतना ज्यादा मदद किया है इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम्हें और टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई और मुझे ढूंढने आए इससे पहले मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, क्या तुम सफाई कर सकते हो? शैरलॉट बोलती है, हाँ मैं थोड़ी बहुत सफाई तो कर ही लेती हूँ। जो सुनने के बाद डीमन लॉर्ड खुश हो जाता है और बोलता है, मैं तुमको जॉब का ऑफर करता हूँ, तुम मेरे घर पर मेड का काम करोगी। जैसे कि तुम देख ही सकते हो मैं सफाई करने में काफी ज्यादा बुरा हूँ, और पेमेंट में मैं तुमको यहाँ पर रहने दूंगा और 3 वक्त का खाना भी दूंगा, कपड़े दूंगा, स्नैक्स दूंगा और थोड़ी बहुत पे भी करूंगा। शैरलॉट बोलती है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुना? मैं तो एक क्रिमिनल हूँ। ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कुछ देर सोचता है और फिर वो एक स्टोरी बताने लग जाता है और शैरलॉट को बोलता है, तुम जैसे बीटरे हुई थी और मैं भी कुछ साल पहले बीटरे हुआ था। असल में मेरा नाम एलन है, एलन क्रॉफोर्ड। करीब 3 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था और हम लोग एडवेंचर करने वाले थे। मैं काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उन लोगों ने मेरा एडवांटेज लेकर एक टेंपल का सील खोल दिया और मुझे मॉन्स्टर के साथ छोड़ दिया। और ये सुनने के बाद तो शैरलॉट रोने लग जाती है और जो देखकर डीमन लॉर्ड अपने मन में बोलता है, क्या शैरलॉट ने मेरी स्टोरी पर बिलीव कर लिया? लेकिन इसके बावजूद भी शैरलॉट बोलती है, आपके ऑफर को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड अपने मन में बोलता है, मेरे पास एक लास्ट तरीका है। और फिर वो अपने आप को एक डेथ कर्स दे देता है और शैरलॉट को बोलने लग जाता है, अगर तुमने मेरे काम के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा दिल 3 मिनट में धड़कना बंद कर देगा। ये सुनने के बाद तो शैरलॉट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है, मैं भीख मांगती हूँ, अपने आप को इतना ज्यादा तकलीफ मत दो। वहीं पर समय बीतता जा रहा होता है, जिस वजह से डीमन लॉर्ड को बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती जा रही है। और फिर ऐसे ही कुछ देर चलता रहता है और हमें डीमन लॉर्ड बताता है कि इसी तरीके से मैं शैरलॉट को अपने साथ रहने के लिए मना पाया। देन अगले सीन में शैरलॉट पूरी तरीके से मेड आउटफिट में होती है और वो डीमन लॉर्ड के घर को पूरी तरीके से चमका कर उसको बुलाती है। वहीं पर डीमन लॉर्ड ये देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम एक नोबेल फैमिली से हो। और इसके बाद डीमन लॉर्ड सोचने लग जाता है कि जब मैंने शैरलॉट को रेस्क्यू किया था तब उसके हाथ बहुत ही ज्यादा रफ थे। नोबेल तो शैरलॉट का बस एक टाइटल है, रियलिटी में वो तो वहाँ पर सर्वेंट का काम करती थी। तभी शैरलॉट डीमन लॉर्ड को बताने लगती है कि आपने भी तो मुझे साफ सफाई में काफी ज्यादा मदद किया है, क्या मेरी यहाँ पर कोई जरूरत भी है? डीमन लॉर्ड बोलता है, हाँ तुम जरूरी हो, तुमने देखा नहीं है मेरा घर हमेशा बिखरा हुआ रहता है और मेरे पास कोई हाउसकीपिंग का स्किल भी नहीं है। इसके बाद शैरलॉट बहुत ही ज्यादा खुश होकर डीमन लॉर्ड से बोलती है, आखिरकार अब मैं क्या करूँ? जिसमें डीमन लॉर्ड बोलता है, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है तो तुम्हारी जो मर्जी वो कर सकती हो। और ये सुनने के बाद तो शैरलॉट काफी ज्यादा शॉक में होती है। वहीं पर डीमन लॉर्ड लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है और बोलता है, तुम बुक्स भी पढ़ सकती हो या फिर गार्डनिंग भी कर सकती हो। जिसके बाद डीमन लॉर्ड लाइब्रेरी के अंदर कुछ पेपर लेकर शैरलॉट को बताता है कि मेरा कुछ काम है इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। जो सुनने के बाद शैरलॉट थोड़ा सा उदास होकर बोलती है, ठीक है। फिर वो सोचने लगता है, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता और ना ही मुझे सोशल होना पसंद है, तो आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? और ये बोलने के बाद वो वहाँ पर कुछ पेपर वर्क करने लग जाता है। इसके कुछ देर बाद शाम हो जाता है और जब डीमन लॉर्ड काम खत्म करके उठता है तो फिर वो अपने पीछे शैरलॉट को बैठा हुआ देख पाती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शैरलॉट बताती है, मेरे पास कुछ करने को नहीं था इसलिए मैं फ्लोर पर चावल के दाने गिन रही थी। जो सुनने के बाद तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है, शैरलॉट इतना ज्यादा बोरिंग काम कर रही थी। अब अगले सीन में डीमन लॉर्ड शैरलॉट से पूछता है, क्या शैरलॉट तुम्हारे कोई हॉबी नहीं है? शैरलॉट बताती है कि नहीं, मेरी कोई हॉबी तो नहीं है। डीमन लॉर्ड बोलता है, तो तुम फ्री टाइम पर घर पर क्या करती थी? जिसमें शैरलॉट बोलती है, जब मैं ब्राइडल ट्रेनिंग पर नहीं होती थी तो मैं घर सफाई करती थी और कपड़े धोती थी।
ये सुनकर तो डीमन लॉर्ड फिर से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, तुम मजा करने के लिए क्या करती थी। शैलॉट बोलती है, मुझे कोई भी चीज में मजा तो नहीं आता था, बल्कि मुझे इस चीज में तो डांट पड़ती थी। ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड बोलता है, शैलॉट क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है। जो सुनकर शैलॉट काफी ज्यादा खुश होकर बोलती है, हाँ 2 महीने पहले मेरी बहन नाटालिया ने मुझे कुछ फल दिए थे जो कि बहुत ही ज्यादा खट्टे थे और मुझे ज्यादा ट्रीट्स भी नहीं मिलते थे, इस वजह से मैं वो फल पाकर काफी ज्यादा खुश हुई थी। और ये सब सुनने के बाद तो डीमन लॉर्ड और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो अपने मन में बोलने लगता है, एक तरफ मैं था जो कि मैजिक एकेडमी में प्रोफेसर्स को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, बहुत बड़े बड़े केमिकल बनाकर ब्लास्ट करता था और बहुत ज्यादा मजा भी करता था, और दूसरी तरफ शैलेट, उसके पास ना ही कोई फन मेमोरीज है और ना ही कोई अच्छी हुआ भी, वो लगता है शायद हमेशा काम ही करती थी। और ये सब सोचने के बाद वो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और बोलता है, शैलेट अब मैं तुम्हें एक क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ जिसमें कि इस दुनिया की हर एक नॉटी चीज जो कि तुम सीखने वाले हो। और इसके कुछ देर बाद डीमन लॉर्ड शहर से बहुत सारे कुछ सामान खरीद कर लाया होता है, जो देखकर तो शैलेट काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वहीं पर डीमन लॉर्ड बोलता है, मैंने तुमको कुछ देर पहले ही कहा कि मैं तुमको एक क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ जिसमें कि तुम बहुत सारे नॉटी चीजें सीखने वाले हो। शैलेट बोलती है, नॉटी चीज से तुम्हारा मतलब क्या है। डीमन लॉर्ड बोलता है, मतलब कि मजा, फन और प्लेजर, क्योंकि नॉटी चीजें हमेशा मजा देती है। इसके बाद डीमन लॉर्ड बहुत ही अजीब तरीके से बोलता है कि मैं तुम्हें अब एक नॉटी चीज सिखाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद तो शैलेट डर जाती है और बोलती है, मैं कोई बुरा काम नहीं करने वाली। डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे कोई भी इल्लीगल काम नहीं करवाने वाला। इसके बाद डीमन लॉर्ड एक चुटकी बजाता है और उस टेबल के ऊपर बहुत सारे मिठाई, केक्स और बहुत कुछ आ जाते हैं, जो देखकर शैलेट तो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है, आखिरकार ये सब क्या है। डीमन लॉर्ड बोलता है, ये सब कुछ होगा आज का रात का डिनर, खाओ पियो और मजा करो, और यही है आज का नॉटी टास्क। और ये बोलने के बाद जो डीमन लॉर्ड है वो तो ड्रिंक करने लग जाता है, जो देखकर शैलेट काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, हम लोगों को प्रॉपर डिनर करना चाहिए और इतना ज्यादा स्वीट्स नहीं खाना चाहिए, इससे हमारा डाइट अनबैलेंस्ड हो जाएगा। फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, शैलेट किंगडम के अंदर प्रिंस और उसके फैमिली ने क्या तुम्हारे साथ फैमिली के जैसा बिहेव किया। नहीं, बल्कि तुम तो वहाँ पर सर्वेंट के जैसा काम करते थे। क्या उन लोगों ने तुमको अच्छा अच्छा खाना खिलाया। नहीं, बल्कि बचा हुआ सारा कुछ तुम ही खाते थे। और ये बोलने के बाद वो शैलेट के सामने एक छोटा सा केक का टुकड़ा ला देता है, जो देखने के बाद तो शैलेट मना करने लग जाती है और बोलती है, मैं ये नहीं खा सकती। डीमन लॉर्ड बोलता है, अभी तुम्हारा बॉस कौन है। मैं हूँ ना, तो मैं जो बोलूंगा वो ही तुमको करना पड़ेगा, इसलिए तुम अब एक केक को खाओगी और यही तुम्हारा आज का जॉब है, और अगर तुमने इसको फिर से मना किया तो मैं अपने आप के ऊपर फिर से वही डेथ कर्स दे दूंगा। और ये सुनने के बाद तो शैलेट डर जाती है और बोलती है, ऐसा मत करना, मैं इस केक को जरूर खाऊंगी। इसके बाद डीमन लॉर्ड बोलता है, ये सारा का सारा मिठाई तुम्हें ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मिठाई और केक इतना ज्यादा पसंद नहीं है। जो सुनने के बाद तो शैलेट और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। डीमन लॉर्ड बोलता है, मुझे लगा था इससे तुम खुश होगी। और ये सुनने के बाद तो शैलेट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो केक को खाने लगती है, और जैसे ही वो केक का बाइट लेती है तो उसके आंखों से तो आंसू गिरना शुरू हो जाता है, जो देखकर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या केक का टेस्ट अच्छा नहीं था। जिसमें शैलेट बोलती है, ऐसा बात नहीं है, ये पहली बार है कि किसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, और मैंने अपने लाइफ में कभी भी इतना कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्या मुझे इतना कुछ पाने का हक भी है। ये देखने के बाद डीमन लॉर्ड शैलेट के आंखों से आंसू मोचता है और बोलता है, इतना ज्यादा रिडिकुलस मत हो, तुम्हें लगता है ये हैप्पीनेस है, ये तो बस शुरुआत है, आज से मैं तुमको इस दुनिया का हर एक सिंगल प्लेजर भी फील करवाऊंगा। तुम चिल्लाओगी, रोओगी, खुश होगी, सब कुछ फील करोगी, और मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि इस दुनिया का हर एक खाना तुम टेस्ट करोगी और इस दुनिया का हर एक जगह तुम घूमोगी, तुम्हें मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा, तुम सब कुछ एक्सपीरियंस करोगी, और फिर तुम खुद से ही बोलोगी कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। ये सब सुनने के बाद शैलेट बोलती है, आखिरकार एक टोटल स्ट्रेंजर के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसमें डीमन लॉर्ड बोलने लगता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ जितनी देर तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं तुमको इस दुनिया का हर एक नॉटी चीज सिखाता रहूंगा। फिर शैलेट बहुत ही घबरा कर बोलती है, लेकिन मेरे पास कोई भी चीज नहीं है कि मैं आपका फेवर लौटा पाऊँ। डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम्हें कोई रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है, ये सब कुछ तो बस मेरा हॉबी है और तुम बस मेरे साथ साथ हॉबी के साथ चलोगी।
और ये सुनने के बाद तो शैलेट काफी ज्यादा खुश होती है और फिर जो डिमन लॉर्ड है और शैलेट को फिर से केक खिलाने लग जाता है। लेकिन शैलेट बोलती है आप भी एक बार ट्राई करो ना। डिमन लॉर्ड कुछ बोलने जा ही रहा होता है तभी शैलेट डिमन लॉर्ड को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लग जाती है। इस वजह से डिमन लॉर्ड को केक का एक बाइट लेना ही पड़ता है और वो बोलता है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है और फिर वो शैलेट को भी खिलाने लग जाता है जिस वजह से शैलेट काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये एनिमे कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और भी सारे एनिमे आने वाले हैं और मैं हर एक एनिमे को कंटिन्यू करूंगा, इस वजह से ज्यादा टेंशन मत लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट और कोई एपिसोड में, तो अब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।